एक एक प्रश्न के लिए एक एक भ्रम जो फैला जा रहा है उसके लिए सटीक जवाब दिए, और जवाब देने के बाद भी उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि जिन लोगों के मन में और भी प्रश्न है उनसे खुला मन से बात करने के लिए सरकार तैयार है। इसमें राजनीतिक पक्ष हो, किसान भाई हो, सब सरकार से बात करने के लिए, जिनको भी लगता है उनसे बात करने के लिए सरकार तैयार है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी के इस भाषण के बाद मैं मानती हूं जरूर किसान किसान भाई जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं या जो उनके मन में कुछ प्रश्न है वो जरूर सरकार तक पहुंचेंगे, बात करेंगे, और किसान के भलाई के लिए जो तीनों कानून पारित हुआ है और हम सुने देश भर के किसान उनके अपने एक्सपीरियंस अनुभव को व्यक्त करने में, इसके बाद भी अगर जिनको भी है प्रश्न वो पूछ सकते हैं, सरकार बात करने के लिए तैयार है। लेकिन किसान तो अड़े हुए हैं कि तीनों कानून जो है वापस लिए जाएं। नहीं, इसीलिए तो प्रधानमंत्री जी इतने विस्तार से बोले हैं वो बात करना चाहिए। मैम, आज आप लोगों ने 18,000 करोड़ रिलीज किए 9 करोड़ किसानों के लिए, वहीं राहुल गांधी कहते हैं कि 2 करोड़ किसानों का दस्तखत करके हम भी आ गए, क्या कहेंगे? राहुल गांधी जी पहले इसका जवाब देना चाहिए कि 2019 के उनके चुनाव घोषणा पत्र में क्या इन सभी कानून के द्वारा जो हम किसान के हित में कर रहे हैं वो सभी पॉइंट उनके घोषणा पत्र में नहीं था क्या? उस समय उनके घोषणा पत्र में ये ही विषय थे, और माननीय सोनिया गांधी जी का भाषण भी अभी खुलेआम हम सब देख रहे हैं जिसमें किसान के हित में और उनके चॉइस के उनके किसान के अधिकार बनना चाहिए इन सभी विषयों में उनका ही भाषण है। क्या अभी ये सुधार क्योंकि मोदी जी ने किया है उसको विरोध कर रहे हैं कांग्रेस वाले ने? राहुल गांधी जी इसका पहले जवाब दें, ना कि वो 2,002 करोड़ किसानों को कागज, क्योंकि उनके अपने ही हिपोक्रेसी इससे स्पष्ट निकल रहा है। मैम, राहुल जी ने कहा है कि लोकतंत्र खत्म हो गया है, डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, एक अयोग्य व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दिया है जो 2-4 लोगों की शह पर पूरे देश को चला रहा है। एक सिंगल पार्टी मेजोरिटी के साथ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पार्लियामेंट के चुनाव में जीत कर आने के बाद भी अगर एक विपक्ष में बैठने वाले पार्टी के नेता ऐसे बात करेंगे, इससे ये स्पष्ट निकल कर आ रही है कि उनको पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के ऊपर भरोसा सिर्फ तब है जब वो जीतते हैं और बाकी सब जीतने में उनको पसंद नहीं आता। ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये उनका मनमानी है जो डायनास्टी ही फैला सकते हैं। इसीलिए उनका मन में डेमोक्रेसी के ऊपर कुछ नहीं है, उनके परिवारवाद के ऊपर ही सब कुछ है। अगर वो जीतेंगे वो डेमोक्रेसी, कोई और जीतेंगे चाहे जितने भी मेजोरिटी के साथ वो उनको मान्यता नहीं है, ये परिवार वाले का मानसिकता है। मैम, पीएम हैज सेड द प्रोटेस्ट आर एन आउटकम ऑफ द ऑपोजिशन मिसलीडिंग एंड स्प्रेडिंग लाइज, योर रिएक्शन? यस, दैट्स राइट। इफ दे हैव स्टेटेड इट इन देयर पॉलिसी, इफ दे हैव स्टेटेड इट इन देयर मैनिफेस्टो, एंड इफ दे स्पीक कंप्लीटली डिफरेंट नाउ only because those very reforms are being done by Prime Minister Modi and not by themselves. They wasted 60 years of this country's democracy and didn't help the farmers. Today they can't digest the fact that the farmers are with Prime Minister Modi.